हेलो एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल हाउ आर यू चाइल्ड माई सेल्फ इज अरशद इनाम एंड वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल द एजुकेशनिस्ट अरशद इनाम एंड स्वागत करता हूँ आप लोगों का और ये हमारी क्लास टेंथ की पहली क्लास होगी जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे तो अगर हम बेसिकली क्लास टेंथ की बात करें तो फाइव चैप्टर हैं ओवरऑल केमिस्ट्री के अंदर उसमें जो पहला जो चैप्टर है हमारा वो होने वाला है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस तो ये हमारा बेसिकली आज चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज की आज हम इस चैप्टर की बेसिक चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले जान लेते हैं कि हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे तो सबसे पहले इस चैप्टर का नेम हो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस उसके बाद अगर हम इस चैप्टर के कंटेंट्स की बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्टेंट और रिपोर्डक्ट्स क्या होते हैं कुछ एग्जाम्पल देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और केमिकल इक्वेशन क्या होती है उसको कैसे बैलेंस करते हैं हम और कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं यहाँ पर ठीक है बेटा तो ये सब चीज़ें बेसिकली हम यहाँ पर देखने वाले हैं और उसके बाद केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद हम आयनिक इक्वेशन देखेंगे क्या होती है और आयनिक इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ द रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रिसिपटेशन रिएक्शन ठीक है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिडक्शन कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए हुए हैं क्रोजन रेंसिडिटी ये सब चीज़ें हम यहाँ पर बेसिकली पढ़ने वाले हैं तो बने रहिए मेरे साथ और बहुत अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ते हुए चलिएगा मेरे साथ तो बेसिकली अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो बेटा आपने क्लास नाइन्थ के अंदर पढ़ा फिजिकल चेंजेस केमिकल चेंजेस क्या होते हैं एक बार यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है हमारे आसपास बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया ठीक है और उसके बाद आपका इवेपोरेशन ऑफ वाटर हो गया डिसोल्यूशन ऑफ़ शुगर हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन सावरिंग ऑफ मिल्क बर्निंग ऑफ केक एट्सेट्रा तो ये इस तरह के हमारे आसपास बहुत सारे प्रोसेस होते हैं तो अगर हम बात करें फर्स्ट थ्री प्रोसेसेस की तो फर्स्ट थ्री प्रोसेस में सब्सिस्टेंस uh, सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहा है कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है तो ऐसे सब ऐसे प्रोसेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता और सिर्फ रिएक्टेंट अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करता है जैसे पहले वाले प्रोसेस के अंदर सॉलिड आइस मेल्ट हो गया लिक्विड में लिक्विड वाटर एवेपरेट हो गया वेपर में और सॉलिड शुगर डिजॉल्व हो गई आपकी लिक्विड में तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे फिजिकल प्रोसेस कहलाएंगे यहाँ पर डेफिनेशन भी दी हुई है सच प्रोसेसेस इन विच नो न्यू सबसिस्टेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड के फिजिकल चेंजेस ठीक है उसके बाद अगर हम बाकी के बचे हुए प्रोसेसेस की बात करें जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन सॉरिंग ऑफ़ मिल्क बर्निंग ऑफ कूक इसके अंदर क्या हो रहा है रिएक्टेंट uh, अपनी फिजिकल स्टेट ही चेंज नहीं कर रहा है बल्कि इसमें एक नया सब्सिस्टेंस भी बन रहा है जैसे आयरन रस्ट होता है तो पहले वो आयरन होता है मेटल और फिर रस्ट हो जाने के बाद जो ब्राउन सब्सिस्टेंस वहाँ पर बनता है वो आयरन ऑक्साइड होता है इसी तरह से मिल्क की क्या कंपोजिशन बदल जाती है उसके अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है कॉल्डलिंग से या कार्बन डाइऑक्साइड को बर्न करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर नया सबसिस्टेंस आपका बनता हो वो आपका क्या कहलाएगा केमिकल प्रोसेस कहलाएगा ठीक है यहाँ पर डेफिनेशन भी दी हुई है सच प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल चेंज ठीक है अब केमिकल चेंज के अंदर जो आपका प्रोसेस होता है वो कहलाता है केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास बहुत सारी ऐसे रिएक्शंस होती हैं केमिकल प्रोसेस होते हैं जैसे आपका टर्निंग ब्राउन ऑफ द कटेड एप्पल अगर अब एक एप्पल को कट करके एयर में रख देंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्राउन टाइप हो जाएगा खाने का बनाना डाइजेशन ऑफ फूड रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स बर्निंग ऑफ कैंडल बर्निंग ऑफ फ्यूल पेट्रोल कैरोसिन लकड़ी एक्सेट्रा ये सब इसमें नए सबसिस्टेंसेज बनते हैं तो ये सब आपके केमिकल प्रोसेस हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन होती क्या है देखिए केमिकल रिएक्शन दरअसल रीअरेंजमेंट होता है एटम का अब मान लीजिए जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आप उसमें रिएक्शन करते हैं सपोज कीजिए ए और बी आप उसमें केमिकल प्रोसेस से केमिकल चेंज से सी और डी कंपाउंड बना रहे हैं ठीक है तो उस केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं रिएक्टेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो आपके पास बना वो कहलाएंगे आपके आखिर में प्रोडक्ट्स ठीक है तो एरो से इनको हम सेपरेट करते हैं तो ए बी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट हुए और सी डी प्रोडक्ट बनाया तो केमिकल प्रोसेस के वजह से तो दरअसल कोई भी सब्सटेंस ऐसे ही नहीं बनता केमिकल रिएक्शन के अंदर कहते हैं ना के दो या दो से ज़रा चीज़ों को मिलाओ तो नया सब्सटेंस बनता है तो ये कोई जादू या कोई मैजिक नहीं है दरअसल जो रिएक्टेंट्स के एटम्स होते हैं वो पुराने बोंड्स को तोड़कर नए बोंड्स बनाते हैं जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ भी है एक केमिकल रिएक्शन सिंपली इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ दी एटम्स तो ये बेसिकली हमारे आसपास की रिएक्शंस होती हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं केमिकल रिएक्शंस के वो कौन कौन से हैं आइए उनको हम देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे उसने दिया बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर मैग्नीशियम लेबोरेटरी में अवेलेबल हो जाती है तो वायर की फॉर्म में या रिबन की फॉर्म में ये शाइनिंग सरफेस वाली होती है क्योंकि एयर उसके ऊपर अटैक करके एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर उसके ऊपर बना देती है यहाँ पर दिखा लिखा हुआ है आप देख सकते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जो मैग्नीशियम रिबन होगा उसको एक सैंड पेपर से घिसेंगे ताकि उसके ऊपर की जो लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो हट जाए और उसको एक पेयर ऑफ टोंग से टोंग यहाँ पर दिखाया हुआ है डायग्राम ये जो सबसे है ये आपका टोंग कहलाता है हम इससे टोंग से मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं और उसको बुन बुनसन बर्नर से या कैंडल वगैरह से हम उसको जला देंगे जिससे क्या होगा एक डैजलिंग लाइट क्रिएट होगी जैसे वेल्डिंग करते हुए आप देखते हैं उससे ध्यान रहे इस डेजलिंग लाइट से अपनी आंखों को अपनी फेसेस को सभी चीज़ों को बचाना है जब उसको गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन या आग आपस में रिएक्शन करेगी और यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ये एक पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर ये एक रिएक्शन भी दी हुई है स्केलेटन स्केलेटन इक्वेशन दी हुई है आप देख सकते हैं अगर हम मैं सिंबल्स एंड फॉर्मूले यूज़ करूँ तो उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस ऑक्सीजन को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां पर क्या होगा रिजल्ट इन द फॉर्मेशन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ये जो नीचे राख नजर आ रही है ना आपको ये बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है और ये जो रॉड है आपकी ये आपका मैग्नीशियम कहलाएगी ठीक है और ऑक्सीजन आपको कि जलने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होती है तो बेसिकली हम इसको अब बैलेंस करेंगे क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हम यहाँ पर टू लगाएंगे और यहाँ पर टू लगाएंगे तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है अब रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं कैसे इक्वेशन लिखते हैं सिंबल्स एंड फार्मूले की हेल्प से वो मैं आपको फर्दर इस चैप्टर में आगे बताऊँगा तो ये ये पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया उसके बाद यहाँ पर ये भी दी हुई है कि क्या क्या ध्यान रखना है हमें सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को घिसना है सैंड पेपर से उसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हम हटा देंगे और उसको फिर प्रोटेक्शन के साथ हम अच्छे से गर्म करेंगे तो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते ही हम देखते हैं कि एक नया एग्जाम्पल हमारे लिए बिल्कुल तैयार है तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉरी ये होगा ठीक है एग्जाम्पल नंबर एक्� तो रिएक्शन बिटवीन लैड आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड तो लैड आयोडाइड एक एक्वा सोल्यूशन होता है कलरलेस सोल्यूशन होता है इसी तरह से पोटेशियम आयोडाइड भी एक कलर लेस सोल्यूशन होता है वो दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो ड्यू टू द रिएक्शन या रिजल्ट इन द फॉर्मेशन जो सोल्यूशन होता है वो उसका कलर येलो हो जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड लेड आयोडाइड का कलर येलो होता है इसलिए पूरे सोल्यूशन का कलर येलो हो जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट भी बनेगा साथ में एज ए को प्रोडक्ट लेकिन वो कलर लेस होता है उसकी प्रजेंस का पता नहीं चलता है वहाँ पर तो बेसिकली यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया हुआ है सबसे पहले देखिए ये लेड आयोडाइड लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन और ये पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है दोनों कलरलेस होते हैं आपस में ये जब रिएक्शन करेंगे इस तरीके से तो यहाँ पर लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा ठीक है तो ये डायग्राम दिया हुआ है और ये थ्योरी दी हुई है आप देख लें ध्यान से अगर मैं इसकी केमिकल इक्वेशन की बात करूं तो वैसे तो इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है लेकिन मैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले भी आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लेड नाइट्रेट लिया हुआ है इसका फॉर्मूला होता है पी बी थ्री का हॉल टू प्लस पोटेशियम आयोडाइड के आई हमने यहाँ पर लिया आपस में रिएक्शन करेंगे तो लेड आयोडाइड बनाएगा पी बी आई टू बन जाएगा प्लस और पोटेशियम नाइट्रेट के थ्री ठीक है अब बेसिकली रिएक्शन ये दोनों क्या कहलाएंगे आपके रिएक्टेंट कहलाएंगे और ये आपके दोनों क्या कहलाएंगे प्रोडक्ट्स कहलाएंगे राइट तो अब हम इनको बैलेंस कर लेते हैं आ, यहाँ पर हम दो लगाएं और अगर यहाँ पर भी दो लगाएं तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी तो ये दूसरा एग्जाम्पल है उम्मीद है आपको डायग्राम से और थ्योरी से अच्छे से समझ में आया होगा उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट जो आज का टॉपिक तो, तो, है उसकी जो लास्ट का जो रिएक्शन का एग्ज़ाम्पल है वो है रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डायलोट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये डायग्राम दिया हुआ है आप देख सकते हैं एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं हम ये दिया हुआ है उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम डायलोट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे उसको मिक्स करेंगे ठीक है और उसके अंदर फिर हम ये लिखा हुआ है यहाँ पर छोटे छोड़ छोटे जो टुकड़े होंगे जिंक मेटल के ग्रैनोलेटेड जिंक इनके अंदर डालेंगे तो एकदम से रिएक्शन होगी और यहाँ से बबल निकलना शुरू होंगी वो बबल हाइड्रोजन गैस की होंगी ऊपर जाकर वो हम उसको जलाकर भी देख सकते हैं जैसे ये दिया हुआ है फ्लेम तो हाइड्रोजन गैस जल जाती है ठीक है तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी और यहाँ पर ये रिएक्शन इन्वॉल्व होगी जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड एज ए रिएक्टेंट आप उसमें रिएक्शन करेंगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन जाएगी ठीक है बेटा तो अगर हम इस रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन की बात करें तो जिंक को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड एन से तो जिंक प्लस और यहाँ पर चाहे आप एस्ट्रोसोफोड ले लीजिए चाहे हाइड्रोक्लोरिक ले लीजिए तो चलिए मैं हाइड्रोजन सल्फेट लेता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड जब ये आप उसमें रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाएगी या अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की जगह एच सी तो ये रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगी जिंक प्लस एच सी जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी अब ये दूसरी वाली जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है इधर दो हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में तो हम इसको यहाँ पर टू लगा देंगे तो बेसिकली इस तरह से ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगी तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन फर्स्ट चैप्टर का जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इसमें हमने जाना बेसिक चीज़ें फिजिकल चेंज क्या होता है केमिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन हम इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और हमने फिर डिफरेंट डिफरेंट तीन एग्जाम्पल देखें तो उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्रॉपर प्ले बनाई हुई है जिसमें ओनली ऑन क्लास टेंथ की ट्यूटर भी वी, ट्यूटोर वीडियोज़ हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन और थ्योरीज एक्सप्लेन की हुई हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए आपके लिए और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है है ना तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और ये वीडियो कैसी लगी आपको ये भी बता सकते हैं ताकि आप मुझे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे सो दिस इज़ अरशद इनाम साइनिंग ऑफ हैव एन नाइस डे थैंक यू